Hello dear students, welcome back to our channel. Today we will continue with our next session of respiration and circulation and in our today's session हम mechanism of respiration के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. हम देखेंगे कि इसके अंदर जो चार processes होते हैं breathing and internal respiration, external respiration, blood circulation, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं step by step we will try to understand. But if you haven't subscribed to our channel yet, या आप नए हैं हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले सेशंस के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिल सकें और हम अपना सेशन आगे बढ़ा सकें. डन, सब्सक्राइब्ड, ऑल राइट, थैंक यू, लेट्स बिगिन विद द सेशन. ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. अब सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, रेस्पिरेशन होता क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन रेस्पिरेशन. बेसिकली रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमोसफियर एंड लंग्स. मतलब जब एटमोसफियर के गैसेज आपकी बॉडी में जाते हैं और आपके लंग्स के गैसेज एटमोसफियर के गैसेज के साथ मिक्स होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. लेकिन एक और चीज़ इसमें इंक्लूडेड है कि जब गैसेज एक्सचेंज होते हैं उसी समय आपकी बॉडी में एटीपी फॉर्मेशन भी होता है. सो दिस इंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कैन बी डिफाइंड एज रेस्पिरेशन. देखिए यहां पर क्या दिया गया है हमको, रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लंग्स एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एज वी सेड. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस. यहाँ पर देखिए चार प्रोसेसेस रेस्पिरेशन में इंक्लूडेड होते हैं, विच इज़ द फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग, देन द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन एंड द फोर्थ वन इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. वन बाय वन हम ये चारों प्रोसेसेस को डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है. ब्रीदिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स यहाँ पर नया इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसको हम क्विकली देखेंगे. जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो नया है, जो आप पढ़ने वाले हैं डिटेल में एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. ये तीनों रेस्पिरेशन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. ब्रीदिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो चलिए ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू वी नो अबाउट ब्रीदिंग. तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या बताया जा रहा है, ब्रीदिंग का पैराग्राफ हमको बताया गया है. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, ब्रीदिंग इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस बाई विच गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द एटमोसफियर एंड द लंग्स. फिजिकल प्रोसेस क्यों बोला है इसमें, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है अब तक. हमको अपनी बॉडी को फिजिकली मूव करना होता है, मतलब जब हम फिजिकली नोज से एयर को इनहेल करेंगे तभी बॉडी में गैसेस जाएंगे, इसीलिए इसको फिजिकल प्रोसेस बोला जाता है. इसमें हम ताकत अप्लाई नहीं कर रहे हैं इसीलिए इसको मैकेनिकल प्रोसेस नहीं बोलेंगे. सो इंट्रोडक्शन में हमको क्या दिया है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एटमोसफियर एंड द लंग्स. It involves inspiration and expiration. Now this is my favorite part because it is the simplest one. Breathing में क्या चीज़ें involved होती हैं, it involves inspiration and expiration. Inspiration मतलब क्या होता है, सांस को अंदर लेना, और expiration मतलब क्या होता है, सांस को बाहर छोड़ना. ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, inspiration और expiration का डायग्राम देख लेते हैं तो हमको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी, because this is very simple टेक्निक टू अंडरस्टैंड थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स. जब आप किसी चीज़ को फ्लो चार्ट या डायग्रामेटिक फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हो तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में फिट हो जाती है और टाइम तक याद रहती है. ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले इंस्पिरेशन का डायग्राम. अब इंस्पिरेशन के डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ब्रीदिंग इन, इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, इन मतलब सांस को अंदर लेना. ओके, सो इंस्पिरेशन में क्या होगा, योर रिब केज मतलब आपकी चेस्ट बोन्स जो होती हैं, जो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, रिब केज मूव अप एंड फॉरवर्ड. जब आप सांस लेते हो, चलो मेरे साथ सांस लो जोर से, जब आप जोर से सांस लेते हो, जोर से मतलब जब आप लंबी सांस लेते हो तो आपका सीना फूल जाता है, आपका चेस्ट जो है वो एनलार्ज हो जाता है. क्यों होता है, क्योंकि अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, आपके लंग्स रिलैक्स हो जाते हैं तो वो साइज में एक्सपांड हो जाते हैं. ओके, तो जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपका रिब केज बाहर आ जाता है. ओके, सो रिब केज मूव्स अप एंड फॉरवर्ड. और नीचे क्या बताया है, सेकंड लेबलिंग में क्या बताया गया हमको, प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीजेस. क्या हो रहा है, जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो लंग्स अपने खाली हो गए हैं, लंग्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है. लेकिन लंग्स को एकदम भी ज़्यादा खाली नहीं रखना, मतलब उनको प्रेशर फ्री हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते वरना वो हवा में फ्लोट करने लग जाएंगे. जस्ट किडिंग, लंग्स के ऊपर एक मिनिमम अमाउंट का प्रेशर बना रहना चाहिए ताकि वो अपने प्लेस को, अपने ऑर्गन्स को स्टेबलाइज रख सके. सो जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपका चेस्ट बाहर आ जाता है, लंग्स के ऊपर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है. जब लंग्स का प्रेशर रिड्यूस
रिड्यूस होता है मतलब वो हल्का हो गया है, वो खाली हो गया है, उसका प्रेशर रिड्यूस हो गया है मतलब वो साइज में बढ़ गया है, ठीक है। उसके अंदर का स्पेस जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ गई, क्योंकि हम जब सांस ले रहे हैं तो सब कुछ फूल रहा है, ठीक है, तो लंग्स भी फूल गए हैं, उसके अंदर खाली जगह है, तो फटाफट हवा उसके अंदर भर जाती है। मतलब हवा भरने के लिए हम लंग्स को फुलाते हैं, उसके अंदर का प्रेशर कम करते हैं ताकि उसके अंदर प्रेशर डाल सके, पहले प्रेशर कम करते हैं ताकि उसके ऊपर प्रेशराइज कर सके बाद में, ठीक है। सो प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस एंड एयर कम्स रशिंग इन, फटाफट एयर लंग्स के अंदर भर जाता है जैसे लंग्स का प्रेशर कम होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए अब थ्योरी देखते हैं। तो इंस्पिरेशन का थ्योरी क्या बताया गया है, बोथ दीज स्टेप्स, सॉरी आगे, इट इन्वॉल्व्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन एज गिवन इन डायग्राम 8.5। एक्सपिरेशन का भी डायग्राम देख लो। एक्सपिरेशन के डायग्राम में क्या बताया गया है, व्हेन यू ब्रीद आउट, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो, जब आप सांस अंदर लेते हो तो चेस्ट बाहर आता है, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो आपका चेस्ट अंदर जाता है। सो व्हेन यू ब्रीद आउट योर रिब केज मूव्स डाउन, ओके, एंड इनवर्ड अंदर की तरफ चला जाता है आपका चेस्ट, और बदले में आपके लंग्स जो हैं वो लंग्स पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब ऐसा आप बोल सकते हो कि वो सिकुड़ गए हैं। आपके लंग्स में से जब हवा बाहर आती है तो वो अपने आप को दबा देती है, जैसे इमेजिन करो एक बलून, बलून के अंदर जब हम हवा भरते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब उसमें से हवा निकालते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एक्सपिरेशन के टाइम पे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इंस्पिरेशन के टाइम पे लंग्स रिलैक्स हो जाते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अब थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में क्या बताया है, बोथ दीज स्टेप्स इन्वॉल्व पार्ट्स ऑफ थोरैसिक केज, थोरैसिक केज का पार्ट इन्वॉल्व हुआ क्योंकि रिब केजेस का इन्वॉल्वमेंट है, द रिब्स, स्टर्नम, स्टर्नम मतलब क्या होता है, यहाँ के रिब केज और यहाँ के रिब केज जो बोन्स हैं, दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग बोन होती है, बीच की हड्डी होती है जो यहाँ के रिब केज और यहाँ के रिब केज को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट देती है, दैट इज स्टर्नम, द स्टर्नम एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स एंड द मसल्स ऑफ द डायफ्राम। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं, आपने 11th स्टैंडर्ड स्केलेटन वाले चैप्टर में पढ़ा था, मतलब समझो ये आपका रिब केज है, ठीक है, मैं यहाँ पर रिब केज ड्रॉ कर रही हूँ, रिब और ये बीच का स्टर्नम है, ये स्टर्नम बोन है, तो ये स्टर्नम बोन को पकड़ के रखने के लिए यहाँ पर एक कार्टिलेजेस होते हैं, मतलब जैसे कि हम लगाते हैं ना हर एक हड्डी के ऊपर कैप लगा रहता है, कार्टिलेज का कैप लगा रहता है, बॉटल के ऊपर ढक्कन होती है, वैसे बोन के ऊपर कार्टिलेज का कैप होता है, समझो ये बोन है और ये कार्टिलेज का कैप है, तो इस कैप को हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स, जो इन रिब केजेस को आपस में कनेक्टेड रखती है, ये रिब केज इसके साथ, ये रिब केज इसके साथ, नहीं तो रिब केजेस हवा में लटकते होते हैं, और जो दो लास्ट के रिब केजेस हवा में होते हैं वो इंटरकॉस्टल मसल्स की मदद से दूसरे केजेस से कनेक्टेड होते हैं। सो ये सारे ऑर्गन्स ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब देखते हैं इंस्पिरेशन के बारे में हमको क्या बताया गया है। लेट मी क्लियर द बोर्ड। ओके, तो इंस्पिरेशन के बारे में हमको क्या बताया है, चलो थ्योरी आप बताओ मुझे क्या बताया गया इंस्पिरेशन के बारे में। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द एटमॉस्फियरिक एयर इज टेकन इन टू लंग्स। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो एटमॉस्फियरिक एयर लंग्स के अंदर जाती है क्योंकि आप सांस अंदर ले रहे हो। It occurs due to the pressure gradient formed between the lungs and the atmosphere. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि एक प्रेशर ग्रेडियंट तैयार होता है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? लेवल। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ प्रेशर। जब आपके लंग्स खाली हैं तो लंग्स में प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, हवा ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है जो चीज़ खाली है वहाँ पर वो चीज़ भर जाएगी, एयर भर जाएगी, और अगर ये प्रेशर इक्वल होगा तो ना तो कुछ चीज़ बाहर आएगा ना कोई चीज़ अंदर जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझो इमेजिन करो एक खाली बाल्टी आपने नल के नीचे रखी है, नल में पानी बहुत ज़्यादा है तो वो बाल्टी को भरते जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब बाल्टी भर जाएगी और नल में भी पानी आ ही रहा है पर बाल्टी में पानी अब भरने की जगह ही नहीं है, तो दोनों का लेवल इक्वल हो गया है। आर यू गेटिंग इट? मतलब एक वेसल के नल से आप दूसरा वेसल भर रहे हो तो दोनों का लेवल जब इक्वल हो जाएगा ना तो फिर पहले वेसल से पानी निकलेगा और ना ही दूसरे वेसल में वो पानी जाएगा। गेटिंग इट? सो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ प्रेशर इन वन ऑर्गन एंड इन अनदर एटमॉस्फियर। सो यहाँ पर इंस्पिरेशन कब होता है? जब आपके लंग्स के प्रेशर ग्रेडियंट में और आपके एटमॉस्फियर के प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस है। मतलब इमेजिन करो ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, इमेजिन दिस एज योर लंग्स। अब यहाँ पर ये लंग्स खाली हैं। कैसे हैं ये लंग्स? दीज लंग्स आर एम्प्टी, इनमें कोई हवा नहीं है क्योंकि आपने एक्सपिरेशन कर दिया है, आपने सांस बाहर छोड़ दिया, अब आप सांस ले रहे हो,
सांस ले रहे हो तो ये लंग्स एम्प्टी है, लेकिन एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज है। जहाँ गैसेज ज़्यादा है वो कहाँ पर जाएंगे, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो गैसेज कहाँ जाएंगे, लंग्स के पास जाएंगे। इसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, एक जगह पर प्रेशर कम होना, एक जगह पर प्रेशर ज़्यादा होना। जब लंग्स की कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो हवा अंदर आना बंद हो जाएगी, हम सांस लेना बंद कर देंगे। हम एक पर्टिकुलर लेवल तक ही इंस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो इट अकर्स ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म्ड बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फियर। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच द डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। सबसे पहले तो एक्टिव प्रोसेस जो बोला गया है उस वर्ड को अंडरलाइन करो। किसी भी चीज़ को जब हम एक्टिव प्रोसेस या पैसिव प्रोसेस बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी एनर्जी यूज कर रही है। बॉडी में एनर्जी कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? ATP के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एक्टिव प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी को ATP यूज करना पड़ रहा है। सो इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि आपको एनर्जी यूज करनी पड़ रही है सांस लेने के लिए, ओके। सो इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस जिसमें आपका डायफ्राम जो होता है, वो डायफ्राम क्या हो जाता है, हमने डायग्राम में देखा था, डायफ्राम क्या हो जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउन। डायफ्राम क्या हो जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और नीचे। जब वो ऊपर रहता है, आपका डायफ्राम जब ऊपर रहता है तो वो रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है, लेकिन जब आप हवा अंदर ले रहे हो तो डायफ्राम पे प्रेशर पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ये जो डायफ्राम प्रेजेंट है, ये जो डायफ्राम यहाँ पर प्रेजेंट है, जब आप हवा अंदर ले रहे हो तो लंग्स साइज में बढ़ेंगे, लंग्स साइज में बढ़ेंगे तो प्रेशर किसके ऊपर जा रहा है, डायफ्राम के ऊपर जा रहा है। किसके ऊपर जा रहा है? डायफ्राम। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो जाएगा, लंग्स बढ़ जाएंगे साइज में और डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। सो डायफ्राम फ्लैट एंड गोज डाउनवर्ड। द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, क्या बताया है हमको आगे, जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, मैंने अभी जो आपको बताया था रिब केज के पास के मसल्स, आउटर बोन, द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट सो द रिब्स एंड स्टर्नम मूव अपवर्ड। ये इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ताकि रिब को फूलने का मौका मिले। क्या बोल रही हूँ मैं, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ताकि रिब एक्सपांड हो सके। इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी उसको जगह मिलेगा फूलने का। इंटरकॉस्टल मसल्स जब रिलैक्स हो जाएंगे तो आपका रिबकेज अंदर चला जाएगा। इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिबकेज फूलेगा। इंटरकॉस्टल मसल्स जब रिलैक्स होंगे तो आपका रिबकेज कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। सो द इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द रिब्स कैन मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ थोरैक्स एंड द लंग्स। और इसके वजह से क्या होता है, जब आपका चेस्ट, जब आपका थोरैसिक केज फूल जाता है, बाहर आ जाता है, तो अंदर खाली जगह क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब स्पेस बन गई है, वॉल्यूम प्रोड्यूस हो गई है। क्या प्रोड्यूस हो गई है? एम्प्टी स्पेस प्रोड्यूस हो गई है, जिसके वजह से आपके लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि लंग्स को भी फूलने का जगह मिल गया और उसके अंदर की एयर खाली हो गई, ओके। लेकिन अब हम ज़्यादा देर तक लंग्स को खाली नहीं रख सकते। सो टू इक्वलाइज द लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर लो है उसको इक्वल करने के लिए एयर फ्रॉम द एटमॉस्फियर रशेज इनटू द लंग्स। तो आप जो एयर अंदर ले रहे थे, लंग्स ज़्यादा देर तक उसको खुशी नहीं मिलती है रिलैक्स्ड रहने की। जैसे आपका लंग रिलैक्स होता है, आप सांस लेते हो और लंग को वापस प्रेशराइज कर देते हो, मतलब उसमें आप एयर भर देते हो। पर ये बुरा प्रेशर नहीं है, अच्छा प्रेशर है, क्योंकि बॉडी के लिए हवा नीडेड है, बिकॉज ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर ऑल द सेल्स, ओके। सो टू इक्वलाइज द प्रेशर इनसाइड द लंग्स, एयर from the atmosphere rushes into the lungs and this is known as inspiration. Is pure process ko hum kya bolte hain? Inspiration. Did you understand everything about inspiration including the diagram? Shall we move ahead? All right. अब आगे देखो हमको क्या बताया गया है, हमको एक्सपिरेशन के बारे में बताया गया है। एक्सपिरेशन मतलब क्या होता है, आपने जो हवा अंदर ली थी उसको आप बाहर रिलीज कर रहे हो, ओके। सो एक्सपिरेशन मीन्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द थोरैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स। आपका जो थोरैक्स होता है, आपका जो बोन, नेक का बोन होता है, चेस्ट से जो आता है, मतलब बेसिकली जो थोरैसिक कैविटी होती है, योर ट्यूब, थोरैसिक ट्यूब, वो ट्यूब जब आप सांस अंदर ले रहे थे तो वो रिलैक्स हो गई थी, मतलब साइज में एनलार्ज हो गई थी। अब सांस बाहर छोड़ना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि कोई चीज़ जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तभी उसमें से कोई प्रोडक्ट बाहर आता है। सो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द थोरैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स कॉजिंग एयर टू बी एक्सहेल्ड। आपका थोरैक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि हवा उसमें से बाहर निकले। इमेजिन करो बलून, बलून जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हवा उसमें से बाहर निकलती है, ओके।
द डायफ्राम रिलैक्सेज एंड इज पुश्ड अपवर्ड्स. जब आपके लंग्स खाली हो जाएंगे तो वो वापस छोटे हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. लंग्स छोटे हो जाएंगे तो डायफ्राम वापस ऊपर आ जाएगा. डायग्राम में हमने देखा था कि डायफ्राम ऊपर आ जाता है. जब लंग्स बड़े होते हैं, जब आप सांस अंदर लेते हो लंग्स बड़े हो जाते हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है प्रेशर के वजह से, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. लेकिन जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो तो लंग्स छोटे हो जाएंगे तो डायफ्राम वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा. ओके, इट बिकम्स डोम शेप्ड वंस अगेन. द इंटरकॉस्टल मसल्स, आपके चेस्ट के जो इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब वो रिलैक्स हो जाएंगे तो चेस्ट अंदर चला जाएगा. ओके, सो द इंटरकॉस्टल मसल्स ऑल्सो रिलैक्स पुलिंग द रिबकेज इनवर्ड एंड डाउनवर्ड. जब आपके इंटरकॉस्टल मसल्स, चेस्ट के जो इंटरकॉस्टल मसल्स थे नॉर्मली वो इस शेप में होते हैं, लेकिन जब आपको सांस लेनी होती है तो आपको उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि रिबकेज को थोड़ा बाहर आने की जगह मिले. और जब आप सांस छोड़ते हो तो इंटरकॉस्टल मसल्स वापस रिलैक्स हो जाते हैं और चेस्ट अंदर चला जाता है. ओके, ऑल राइट. दिस कॉजेज अ डिक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम. और इसके वजह से क्या होता है, आपके थोरैसिक ट्यूब में जो वॉल्यूम थी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अंदर का वॉल्यूम कम हो गया, डायमीटर कम हो गया. एंड लीड्स टू इंक्रीज इन प्रेशर इन थोरैक्स एंड द लंग्स एज कम्पेयर टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर. और इसके वजह से क्या होता है, आपके लंग्स और आपके थोरैसिक केज पे या आपके थोरैसिक ट्यूब पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है क्योंकि आपको अपनी सांस को बाहर छोड़ना है. मतलब आप नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हो. एनवायरनमेंट में पहले से गैस है, पहले से गैसेस हैं, आप अपने बॉडी में से भी एक्स्ट्रा गैस रिलीज कर रहे हो तो आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि आप नेचुरल प्रेशर ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहे हो. आर यू गेटिंग इट? ओके, या सो एयर फ्रॉम द लंग्स रशेज आउट. और क्या होता है, जब आप लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, जब आप बलून के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसके अंदर की हवा निकल जाएगी. वैसे ही जब लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है तो एयर फ्रॉम द लंग्स रशेज आउट एंड दिस इज नोन एज एक्सपिरेशन. वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन टुगेदर इज नोन एज वन ब्रीद. एक सांस कंप्लीट कब होती है, अगर आपने योगा किया होगा तो वेन यू डू वन इंस्पिरेशन दिस इज हाफ ब्रीदिंग एंड वेन यू डू वन एक्सपिरेशन दिस टोटली इज काउंटेड एज वन ब्रीद. सो डिड यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली अबाउट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन? देर इज नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट, नथिंग कन्फ्यूजिंग. यू जस्ट हैव टू रीड इट ट्वाइस, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू विद द डायग्राम. ओके, शैल वी मूव अहेड? ऑल राइट. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, इट हैज टोल्ड अस अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट एलवीओलार लेवल. क्या बोल सकते हैं हम इसको, गैसेज एलवीओलार लेवल पे एक्सचेंज हो रहे हैं. सबसे पहली बात तो एलवीओलाई क्या होते हैं, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आज फिर से एक बार देख लो. ये आपका लंग्स है, ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ. सपोज दिस इज योर लंग, वन लंग एंड टू लंग. तो ये लंग्स है, यहाँ से आपका ब्रोंकाय आता है. क्या आता है आपका, ब्रोंकाय आता है. ये ब्रोंकाय आगे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है और ये ब्रोंकियोल से छोटे 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 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रोड्यूस होते हैं ग्रेप्स के जैसे, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई. क्या बोलते हैं इनको, हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है. सो गैसेस जो एक्सचेंज होते हैं वो एक्चुअली कहाँ से एक्सचेंज होते हैं, मतलब आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑक्सीजन कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, वो इन एल्वियोलाई से ट्रांसपोर्ट होता है. कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, इन एल्वियोलाई से. एक सिंगल एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आप देखो यहाँ पर. सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं एल्वियोलाई का. तो देखो ये डायग्राम में क्या बताया जा रहा है, फर्स्ट लेबलिंग हमको क्या बता रही है, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन, मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ कि पल्मोनरी ये वर्ड हार्ट से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है, हार्ट से. कार्डियक बोलो या पल्मोनरी बोलो. अब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बीच में डिफरेंस क्या है, नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि आर्टरी क्या करता है, आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करता है. क्या करता है, आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड एंड वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड. हमने नॉर्मली यही पढ़ा है, राइट. तो बॉडी के जो सारे आर्टरीज और सारे वेन्स हैं उनका यही काम है कि आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करेगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, मतलब ऐसे ब्लड जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है. तो अब हमको यहाँ पर डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहला लेबलिंग कि हार्ट से जो ब्लड आ रहा है, कहाँ से ब्लड आ रहा है, हार्ट से. ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, वो ब्लड कैसा आ रहा है, दैट ब्लड इज इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड. देखो ब्लू कलर का ब्लड दिखा रहा है, ब्लू कलर का मतलब क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है, क्योंकि जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो ब्लड ब्लू कलर का होने लग जाता है बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयरन इन इट. ओके, सो इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है. ओके, सो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है दैट इज ब्लू इन कलर, मतलब इट कंटेन्स ब्लू आरबीसीज विच कंटेन लेस ऑक्सीजन.
ऑक्सीजन. अब जहाँ पर ऑक्सीजन कम है उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगा. आर यू गेटिंग इट? तो सेकेंड लेबल में क्या बताया गया है, पहला लेबल क्या बता रहा है हमको, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी. सेकेंड लेबल में हमको मेम्ब्रेन्स की लेबलिंग्स बताई गई हैं. सेकेंड लेबलिंग क्या है, कैपिलरी. देखो कैपिलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपका जो पूरा का पूरा वेन है, मतलब जो आर्टरी है उस पूरी की पूरी आर्टरी को हम कैपिलरी बोलेंगे. फिर उसके बाद आपको क्या बताया गया है, एल्वियोलार मेम्ब्रेन. एल्वियोलार मेम्ब्रेन मतलब जो अंदर के एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है, बाहर की मेम्ब्रेन को छोड़कर जो एल्वियोलाई के अंदर की मेम्ब्रेन है, जो एल्वियोलाई का आउटर मेम्ब्रेन है, दैट इज एल्वियोलार मेम्ब्रेन. फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, मतलब एल्वियोलार मेम्ब्रेन और कैपिलरी के बीच में और एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. मतलब इमेजिन करो कि ये आपका एल्वियोलाई है, इधर देखो ये आपका एल्वियोलाई है, ये आपका एल्वियोलार मेम्ब्रेन है. एल्वियोलार मेम्ब्रेन के बाहर और एक मेम्ब्रेन है, दिस इज़ योर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. ओके, और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बाहर आपका ब्लड कैपिलरी है. क्या है आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बाहर, ब्लड कैपिलरी. तो ऐसे यहाँ पर लेबलिंग बताया गया है. लेट मी जस्ट इरेज इट क्विकली. ओके, ऑल राइट. सो एल्वियोलार मेम्ब्रेन, एल्वियोलार मेम्ब्रेन के बाहर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बाहर कैपिलरी. अब उसके बाद नेक्स्ट लेबलिंग क्या बताई गई है, सरफेस फ्लूइड. सरफेस फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट रहती है, एल्वियोलार मेम्ब्रेन के अंदर. सरफेस फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट रहता है, एल्वियोलार मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब एल्वियोलाई के अंदर. ओके, अब नेक्स्ट क्या बताया गया है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू रेड ब्लड सेल्स. क्या बताया गया हमको यहाँ पर, कि ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल में डिफ्यूज हो रहा है. देखो रेड ब्लड सेल्स जब आ रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी से तो वो ब्लू कलर के हैं, लेकिन जब वो आगे जा रहे हैं तो वो रेड कलर के होते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जा रहा है और एल्वियोलाई के अंदर का ऑक्सीजन ब्लड सेल्स में जा रहा है. सो हमको यहाँ लेबलिंग में क्या बताया गया है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द रेड ब्लड सेल्स. ओके, फिर नेक्स्ट लेबलिंग में क्या बताया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द आरबीसी. ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में गया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में आया. देखो बेसिकली होता क्या है पता है, आपका जो लंग्स है, आपका लंग्स जो है ये बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है. क्या पास करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन लंग्स का कौन सा ऑर्गन ये काम करता है, एल्वियोलाई. लंग्स का कौन सा ऑर्गन ये काम करने में हेल्प करता है, एल्वियोलाई. सो बेसिकली आपके लंग्स में से जो ऑक्सीजन निकलता है वो आपके हार्ट के ब्लड वेसल में जाता है, मतलब पल्मोनरी वेन में जाता है. पल्मोनरी वेन से वो हार्ट के पास जाता है, फिर हार्ट से वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. अब जब बॉडी में ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ब्लड के अंदर का सारा ऑक्सीजन यूज हो चुका है. मतलब ब्लड क्या करता है, ब्लड सेल को ऑक्सीजन देता है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, क्योंकि सेल को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए उसको सर्वाइवल के लिए. आर सेल्स आर एरोबिक सेल्स. तो ब्लड सेल को ऑक्सीजन देगा और सेल का जो वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड वो उससे ले लेगा. ऐसे पूरी बॉडी से हमारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लाता है और फिर वापस किसके पास लेकर आता है, लंग्स के पास लेकर आता है. किसके पास लेकर आता है, लंग्स के पास लेकर आता है, ताकि लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वो एल्वियोलाई उसका कार्बन डाइऑक्साइड ले सके और उसको फ्रेश ऑक्सीजन दे सके. तो हमको डायग्राम में यही बताया गया है कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में आ रहा है. थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट लेवल हमको क्या बताया गया है, लास्ट एल्वियोलस का स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर क्या बताया गया है कि ब्लड कहाँ से जाता है हार्ट के पास, पल्मोनरी वेन से. नॉर्मल आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करना और नॉर्मल वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करना. लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी का काम अपोजिट है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी हार्ट के पास. डिड यू अंडरस्टैंड द डायग्राम? 50% भी अगर डायग्राम समझाए तो थ्योरी से आपको 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा. चलिए थ्योरी स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट, तो अब हम थ्योरी देखते हैं. डायग्राम आपको समझ में आया गया होगा. लेट्स हैव अ लुक एट द थ्योरी. एन एल्वियोलस कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ सिंपल स्क्वाइमस एपिथीलियम रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. हमको पहले एल्वियोलस के मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है, उसके आउटर मेम्ब्रेन के बारे में. सो एल्वियोलस का आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वाइमस एपिथीलियम. हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था डिस्क्रिप्शन में. स्क्वाइमस एपिथीलियम का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्वाइमस एपिथीलियम, इट गिव्स मोर सरफेस एरिया. ओके, सो एल्वियोलस कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ सिंपल स्क्वाइमस एपिथीलियम रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. मतलब अगर आपको स्क्वाइमस एपिथीलियम का स्ट्रक्चर याद है तो आपको याद होगा कि ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेटल्ड होता है. बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स द ग्रैन्यूल्स एंड द न्यूट्रिशंस टू द सेल.
ओके, इट इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. इंटीमेटली एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है कि आपका जो स्क्वायमस एपिथेलियम है, मतलब आपके एल्वियोलस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो ब्लड कैपिलरीज से टोटली सराउंडेड है. क्यों सराउंडेड है ब्लड कैपिलरीज से? क्योंकि ब्लड जब एल्वियोलस के पास आएगा तभी तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को वापस देगा. आर यू गेटिंग इट? सो इट इज टोटली इंटीमेटली मीन्स वेरी क्लोजली सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज. द कैपिलरी वॉल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम. जो कैपिलरीज है उनका वॉल भी किससे बना है? स्क्वायमस एपिथेलियम से, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड एक्सचेंज कर सके एल्वियोलाई के साथ. रेस्टिंग ऑन अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन. बोथ द लेयर्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. एल्वियोलस मेम्ब्रेन और कैपिलरी दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर है, ताकि दोनों की फंक्शनिंग में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. एंड बोथ आर थिन वॉल्ड. दोनों का वॉल भी बहुत थिन है, ताकि वो गैसेज और लिक्विड आराम से एक्सचेंज कर सकें. ओके, टुगेदर दे मेकअप रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थ्रू विच गैशियस एक्सचेंज अकर्स. और दोनों मिलके, मतलब कैपिलरी का वॉल और एल्वियोलस का वॉल मिलके क्या बनाता है? बीच का रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जहाँ से आपका एक्सचेंज हो सके, मतलब आरबीसी अपना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर छोड़ सके और एल्वियोलस अपना ऑक्सीजन आरबीसी को दे सके. ओके, सो बिटवीन द एक्सचेंज कैन अकर, दैट इज बिटवीन द एल्वियोलर एयर एंड द ब्लड. तो एल्वियोलर एयर और ब्लड के बीच में अच्छा एक्सचेंज हो सकता है. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर. देखो अब आगे ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ से होगा? जहाँ पर हाई प्रेशर होगा गैस लो प्रेशर पे जाएगा. मतलब देखो, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है वो किस तरफ भागता है? वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पर भागता है. सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज विल टेक प्लेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो पार्शियल प्रेशर. ओके, जहाँ पर चीज़ें कम हैं वहाँ पर चीज़ें जल्दी भागेंगी. ओके, until the partial pressure in the two regions reaches equilibrium. जब तक दोनों region का partial pressure equal नहीं हो जाएगा, तब तक high pressure से low pressure में आपका diffusion होता रहेगा. मतलब समझो, imagine करो कि imagine कि हम एक sponge ले रहे हैं, एक sponge लिया है हमने और water का glass लिया है. मैं उस sponge को, सूखे sponge को, dry sponge को जब पानी में डुबाऊंगी, तो पानी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है और स्पंज में कुछ भी वाटर नहीं है, क्योंकि ये ड्राई स्पंज है. तो जहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है वो कहाँ जाएगा? वो स्पंज के पास जाएगा, जहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है. हमेशा याद रखो, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाता है, या जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है किसी चीज़ का वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज़ की तरफ जाता है. सो ड्राई स्पंज को पानी में डालूंगी तो पानी स्पंज के अंदर आएगा, लेकिन जब स्पंज ऑलरेडी पूरा भीगा हुआ है तो वो मेरे ग्लास में से और पानी सोख कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी भरा है, उसमें और जगह है ही नहीं और किसी चीज को एक्सेप्ट करने की. ओके, तो जब तक पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता तब तक आपका ये गैसेस एक्सचेंज होता रहेगा. द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड एंटरिंग द पल्मोनरी कैपिलरी इज 45 mmHg. ध्यान से देखो ये पैराग्राफ, क्या बताया गया है हमको यहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड entering the pulmonary capillary is 45 mmHg, while partial pressure of carbon dioxide in alveolar air is 40 mmHg. मतलब imagine करो, ये आपका alveoli है, this is your alveoli. blood capillary से जो blood आ रहा है, यहाँ से जो blood आ रहा है, इस blood में carbon dioxide का pressure कितना है? 45 mmHg. और alveoli के अंदर कितना percent carbon dioxide है? 40 mmHg. मतलब alveoli के अंदर 40 mmHg का पार्शियल प्रेशर है CO2 का, और ब्लड के अंदर 45. मतलब ज़्यादा पार्शियल प्रेशर कहाँ पर हुआ? ब्लड के अंदर. तो वो कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई के अंदर, कम पार्शियल प्रेशर की तरफ. तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई के पास जाता है. कहाँ जाता है? ब्लड से एल्वियोलाई के पास, क्योंकि ब्लड में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कम है. सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड एंटरिंग द पल्मोनरी कैपिलरी इज 45 mmHg, वाइल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई इज 40 mmHg. एंड सो ड्यू टू दिस डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम कैपिलरी इन टू द एल्वियोलस. और इसके वजह से क्या होता है? कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस के अंदर जाता है, क्योंकि कैपिलरी के अंदर ज़्यादा प्रेशर है और एल्वियोलस के अंदर कम प्रेशर है. आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट होता है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन पल्मोनरी कैपिलरी इज 40 mmHg. आपके ब्लड में, आपके कैपिलरी में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है? यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg का. कितना है?
40 mmHg का, और एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 104 mmHg का, कितना है 104 mmHg। सी तो आप मुझे कॉमन सेंस लगाकर बताओ, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, एल्वियोलस के अंदर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और ब्लड में पार्शियल प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड से एल्वियोलस के पास या एल्वियोलस से ब्लड के पास, कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? वेरी सिंपल आंसर आपको पता है। सो सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरीज 40 mmHg, वाइल इन एल्वियोलर ब्लड इट इज 104 mmHg। ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, तो मतलब पार्शियल प्रेशर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में जा रहा है, मतलब लंग्स में जा रहा है। लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन लंग्स से एल्वियोलस से ब्लड में आ रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, और यही ब्लड कहाँ जाएगा, ये देखो, ये ब्लड जो स्टार्टिंग में ब्लू था अब वो ब्लड रेड होते जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड सारा एल्वियोलस ने ले लिया, तो ये ब्लड अब जाएगा पल्मोनरी वेन के पास। ओके, आगे क्या बताया गया है, ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू द कैपिलरीज एंड दिस इज हाउ योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, मतलब बॉडी का लंग्स और ब्लड के बीच का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे, पर आपको ये समझ में आया? ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। ऑल राइट, अब आपको एक ब्लू बॉक्स दिया गया है, आई होप आपको ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं इस ब्लू बॉक्स में हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें से एक ना एक MCQ नीट में ज़रूर पूछा जाता है फॉर 4 मार्क्स। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट इट। कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं ब्रीदिंग की, लंग वॉल्यूम्स क्या दिया गया है, देखो बॉक्स का नाम क्या है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, मतलब अपना लंग्स जो है उसके क्या क्या कैपेसिटी है, वो कितना वॉल्यूम अंदर ले सकता है, कितना गैसेस एब्जॉर्ब कर सकता है, वो सब। सो पहला हमको बताया गया है लंग वॉल्यूम्स के बारे में। पहली वॉल्यूम कौन सी है, टाइडल वॉल्यूम। पहली वॉल्यूम कौन सी है, टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज इट, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, मतलब आपने नॉर्मल ब्रीदिंग करते वक्त, जैसे अभी मैं सांस ले रही हूँ, तो मैं नॉर्मल सांस लेते वक्त कितना सांस अंदर ले रही हूँ और कितना सांस बाहर छोड़ रही हूँ, ml में ये काउंट किया जाता है। तो इसका अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, इट इज़ 500 ml इन ह्यूमन बींग्स। ओके, इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं हम इसे, टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है नेक्स्ट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना सांस अंदर ले सकते हो। सो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर और द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम, इट्स वैल्यू इज 2000 to 3000 ml। आप ज़बरदस्ती कितना सांस अंदर ले सकते हो, जब आप कंपटीशन लगाते हो ना कि चलो देखते कौन कितनी देर तक सांस रोक के रख सकता है, तो आप कितनी सांस अंदर ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब सांस अंदर लेने वाला वॉल्यूम। और इसका मेजर कितना बताया गया हमको, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2000 to 3000 ml व्हेन यू एड इट विद टाइडल वॉल्यूम। ओके, देन नेक्स्ट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप कितनी सांस ज़्यादा से ज़्यादा बाहर छोड़ सकते हो। जब आप ये योगा करते हो, ठीक है, योगा करते वक्त जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो उसमें आप कितना सांस बाहर ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ सकते हो, दैट इज़ नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, इट्स वैल्यू इज 1000 to 1100 ml। एंड देन कम्स डेड स्पेस। डेड स्पेस मतलब क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम नोज टू ट्रैकिया और टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बट नॉट इन्वॉल्व इन गैशियस एक्सचेंज। डेड स्पेस मतलब क्या होता है, जो सांस, जो हवा आपकी बॉडी में रह गई है, जो कभी बाहर नहीं जाएगी या कभी एक्सचेंज नहीं होगी, आपके नोज से लेके आपके ब्रोंकियोल्स तक जो थोड़ा सा गैसेस बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 ml। नेक्स्ट इज रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स एंड द डेड स्पेस इवन आफ्टर मैक्सिमम एस्पिरेशन। आपने पूरी सांस बाहर निकाल दी उसके बाद भी जो हवा आपके अंदर बचती है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल मतलब बचा हुआ। देखो डेड स्पेस मतलब क्या होता है, जो कभी कम नहीं होगा। रेसिड्यूअल वॉल्यूम मरने के बाद भी डेड स्पेस कम नहीं होगा, लेकिन रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, जो डेड स्पेस के बाद, मतलब डेड स्पेस वाला वैल्यू आप बाहर निकाल दो उसके अलावा जो हवा बच गई है अंदर उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। एंड इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स एंड द डेड स्पेस, इट इज़ 1100 to 1200 ml। क्या बताया गया हमको, इट इज़ 1100 to 1200 ml। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर लंग कैपेसिटीज़।
लंग कैपेसिटीज में पहला क्या बताया गया हमको, टोटल लंग कैपेसिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट द लंग्स कैन होल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन। सांस अंदर लेने के बाद आप कितने टाइम तक उस सांस को अपने अंदर रख सकते हो, कितना अमाउंट का सांस आप अपने बॉडी में रख सकते हो, उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। एंड इट अप्रॉक्सीमेटली वेज टू अबाउट 5200 to 8800 ml, मतलब 5200 ml to 5800 ml, ये आपका लंग कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी है। और उसके बाद क्या बताया गया, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड आउट आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन। आपने जितना इंस्पिरेशन किया था वो टोटल इंस्पिरेशन आप पूरी पूरी ताकत से जब बाहर निकालते हो, टोटली एक्सपायर करते हो, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। एंड इट इज सम टोटल ऑफ, उसको हम पूरा ऐड करें, इधर सम लिखा है एस ओ एम ई, पर वो एस ओ एम ई नहीं आएगा, वो एस यू एम सम है, सम मतलब एडिशन। तो ये टोटल एडिशन कैसे मिलता है हमको, जब आप टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करते हो, तो ये टोटल वॉल्यूम आपको मिलता है कि आप कितनी सांस बाहर निकाल सकते हो, दैट इज 4100 to 4600 ml टोटल। सो डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस बॉक्स, आपको वॉल्यूम्स याद रखने हैं, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज वॉल्यूम्स, ml आपको याद रखना है क्योंकि एंट्रेंस में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए, ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और उसके अलावा जो लंग कैपेसिटीज और लंग वॉल्यूम्स है वो भी हमने कवर किया है। प्लीज़ मेक श्योर, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वाला पार्ट तो ईजी है, मतलब ब्रीदिंग वाला कॉन्सेप्ट ईजी है, लेकिन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस द डायग्राम ऑफ एल्वियोलस मिनिमम 5 times, कम से कम आपको 5 times ये डायग्राम प्रैक्टिस करना होगा इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू रीड द थ्योरी ट्वाइस, कम से कम 2 बार आप थ्योरी पढ़ो तो आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आज के किसी कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, देन प्लीज़ फील फ्री एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन आर कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा टारगेट है कि इस वीडियो में कम से कम हमको 50 लाइक्स अचीव करने हैं। सो या तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले या तो वीडियो खत्म होने के बाद लाइक करना मत भूलो, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आती है लेकिन हमको नहीं पता चल पाता है कि बच्चे लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, और फिर हम खुद को डाउट करते हैं कि हम वीडियो बराबर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द लाइक बटन, कमेंट योर रिव्यूज, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, हेल्प अस एंड सो दैट वी कैन हेल्प यू। And if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button to receive regular updates and notifications. Till then, stay tuned. See you soon with the next session. Thank you.